तो फाइनली TVS Raider को नए अपडेट के साथ कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या अपडेट होने वाले हैं, वही सेम कंपनी ने अपडेट किया है। तो इस वीडियो में आपको केवल TVS Raider में जो नया लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, जो अपडेट हुए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन में कोई भी कंपनी ने बदलाव नहीं किए हैं। लुक भी पहले जैसी है, फीचर्स भी लगभग आपको पहले जैसे मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी ने जो मेन अपडेट किया है वो इसमें आपको 5 इंच का TFT डैशबोर्ड दे दिया है, जो कि पहले मॉडल से थोड़ा सा ये अलग आपको देखने में मिलेगी। थोड़ा सा कलर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। TFT डिस्प्ले दी गई है और इसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो क्या क्या अब आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, इसको आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके डिस्प्ले में आपको RPM मीटर, स्पीड, एवरेज स्पीड, ट्रिप, ऑडोमीटर, मोड, एवरेज माइलेज, फ्यूल, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाती है। नीचे फोन नेटवर्क, बैटरी, फोन कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें वॉइस असिस्ट का भी फीचर दिया गया है, जैसे कि TVS के बाकी जो अपाचे सीरीज की बाइक आती हैं उसमें भी ये फीचर दिया जाता है। तो वॉइस असिस्ट के जरिए भी आप कई सारे कमांड दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हैं कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप कौन सा है, नियरेस्ट होटल या फिर रेस्टोरेंट कौन सा है। तो डिस्प्ले में आपको मैप ओपन हो जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यही अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडियाज और क्रिकेट, फुटबॉल जो भी मैचेस होंगे उनका स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वेदर अपडेट भी आपको इस TFT डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। तो यही कुछ नए अपडेट के साथ कंपनी ने इसको रीलॉन्च किया है, अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है Raider 125 का। और इसके अलावा लेफ्ट हैंडल बार पे आपको एक स्विच मिल जाएगा, जिससे कि कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, और राइट हैंडल बार पे एक आपको मेनू टॉगल बटन मिल जाएगा, जिससे कि आप टॉगल कर सकते हैं, ट्रिप वगैरह देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यही अपडेट आपको मिलेगा। इसमें अभी भी आपको इंजन की स्विच नहीं मिलता है, राइट हैंडल बार पे आपको राइडिंग मोड का स्विच मिल जाता है। तो मेन अपडेट आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएगी, 5 इंच का TFT दे दिया गया है। और इसके अलावा इसकी प्राइसिंग भी पहले से लगभग 6,500 रुपये तक कंपनी ने बढ़ा दिया है। तो इस अपडेटेड वर्जन को अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TVS Raider 125 लेते हैं, तो इसकी एक्स रूम रिलिंग प्राइस 99,990 यानी कि 99,990 रुपये तक रखी गई है, यानी कि लगभग 1,00,000 रुपये तक एक्स रूम प्राइस है। ऑनर प्राइस लगभग आपको 1,15,000 के आसपास देखने को मिल सकती है ये TVS Raider का, जो आपको ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल मिलेगा। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके पहले वीडियो मैंने आपको ये सेम बातें बताई थी, यही अपडेट होने वाले हैं, वही सारे अपडेट हुए हैं, लेकिन प्राइसिंग को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैंने वहाँ पे 4,000 बताया था कि प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने 6,500 तक प्राइस इसकी कंपनी ने बढ़ा दी है। तो 125 सी सेगमेंट में आपको ऐसे डिस्प्ले शायद ही किसी दूसरी कंपनी देती है, जहाँ पे वॉइस असिस्ट का भी आपको फीचर मिले। तो TVS कंपनी अपने बाइक्स में दी है, अगर आपको ये पसंद आती है तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।